आज की जो प्रेस वार्ता है इसका एक कारण है कि आपने देखा होगा पिछले दिनों भी हमारी एजिटेशन होती रही, चाहे वो पॉलिटिकल लोगों के गिराव थे या एलजी हाउस का गिराव था। उसके बाद डिपकाम साहब ने, जब एलजी साहब का गिराव हुआ तो डिपकाम साहब ने भी बुलाया था। सारी जगह हमने अपने मांग पत्र दिए, हर किसी चेयर को हमने अपनी मांगे बताई, सब ने हमें आश्वासन दिए, लेकिन आज तक हमारी मांगों के ऊपर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। चाहे एलजी साहब हों, जो जम्मू कश्मीर के अंदर जब आए थे तो एक विकास पुरुष की छवि लेके आए थे, लेकिन पता नहीं क्यों जम्मू कश्मीर का डेली वेदर को उन्होंने भी इग्नोर किया। उनके होते हुए भी जम्मू कश्मीर के डेली वेदर का शोषण लगातार जारी है। हमारी जो तीन मांगे हैं जिसमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी, लगातार 28 साल से हम मांग कर रहे हैं कि हमारी रेगुलाइजेशन पॉलिसी हमें दो, हमारी रेगुलाइजेशन होनी चाहिए, जो कि 7 साल के बाद कानूनी हक बनता है कि हमें रेगुलाइज किया जाना चाहिए था, लेकिन हमें डेलीबरेटली, चाहे वो कोई पॉलिटिकल सरकार रही या पिछले गवर्नर साहब रहे, सबने हमारे साथ धोखा किया, आश्वासन के ऊपर आश्वासन देते रहे, लेकिन आज तक किसी ने भी ये फैसला नहीं लिया। इसीलिए अब हमने 24 घंटे की काम छोड़ स्ट्राइक पर जाने का निर्णय लिया है। इस गर्मी के मौसम में हम कभी नहीं चाहते थे कि हम स्ट्राइक पर जाएं, लेकिन प्रशासन ने मजबूर किया, इसीलिए हमने 28 मई शाम 8 बजे से 24 घंटे की काम छोड़ हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है, जो 29 मई शाम 8 बजे तक चलेगी पहले फेज में। और फिर भी अगर सरकार हमारी मांगों के ऊपर गौर नहीं करती तो उसके बाद जो हमारी स्ट्राइक होगी वो लगातार भी चल सकती है, 72 घंटे की भी हो सकती है। हम सरकार से बार बार अपील कर रहे हैं कि हमें मजबूर ना करें कि हम ऐसा कदम उठाएं कि जम्मू की जनता परेशान हो। जम्मू की जनता ऐसे परेशान होगी जब हमारी लोग काम छोड़ स्ट्राइक पे चले जाएंगे तो जम्मू में पानी के लिए त्राही त्राही मचेगी। इस वक्त गर्मी का मौसम है, हम कोई भी ऐसा कदम उठाना नहीं चाहते थे, लेकिन राज्यपाल प्रशासन ने मजबूर किया। जब 9 मार्च 2022 को नितेश्वर कुमार जी, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं एलजी साहब के, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई थी तो उन्होंने हमें कहा था कि आपका प्रोसेस चल रहा है, थोड़े दिनों के अंदर जैसे बिजली वालों का ऑर्डर हुआ है आपका भी ऑर्डर हो जाएगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। अल्टीमेटली जो बिजली वालों की अनाउंसमेंट हुई थी वो भी आज तक ग्राउंड के ऊपर जीरो है। इसलिए हमें लगता है कि जम्मू प्रशासन हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। हमारी भी अब प्रशासन से सीधी चेतावनी है कि अब हम गुमराह होने वाले नहीं है, या अगर हमसे काम लेना है, हमारी ज़रूरत है तो हमारे जो हक बनते हैं वो हमें दे, अगर नहीं ज़रूरत तो हमारा जो 4-4 लाख पेंडिंग वेजेस पड़ी हुई है वो हमें दो, और एक आर्डर निकाल दो कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हम अपने घर चले जाएंगे, फिर आपको पता चलेगा कि आपके डिपार्टमेंट चलते कैसे हैं। लेकिन ये शोषण जो लगातार 28 साल से जारी है बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए मैं तमाम डेली वेजर साथियों से अपील करना चाहता हूँ, पहले फेज में ये 24 घंटे की स्ट्राइक को कामयाब करें। आपकी 24 घंटे की स्ट्राइक की कामयाबी ही आपकी अगली स्ट्राइक का रुख अख्तियार करेगी, तय करेगी कि हमें किस ओर जाना है और किस तरीके से सरकार से लड़ना है। लेकिन अब सरकार से लड़ाई आर पार भी होगी, जब तक रेगुलाइजेशन नहीं होगी तब तक सरकार को चैन से बैठने नहीं देंगे।